हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि ग्रेटर नोएडा में कितना खर्च आता है पर मंथ किसी भी स्टूडेंट को रहने के लिए बाहर, पीजी या हॉस्टल में। बाहर के हॉस्टल में पीजी लें या फ्लैट लें, कॉल करते हैं मुझे तो इसी बात की क्यूरी करते हैं, इसी बात बाहर मतलब कितना खर्चा आ जाता है एक महीने में। तो बहुत सारे लोगों को यही डिमांड है, तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना देते हैं। बार बार सबको समझाने से बेहतर है एक बार वीडियो बन जाएगी तो हज़ारों लोग देख लेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम वीडियो आगे बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए शुरू कर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूम रेंट की। रूम रेंट भी बहुत तरीके का होता है, जैसे कि आप कोई फ्लैट लेते हो या फिर कोई बंगलो लेते हो या फिर कोई बिल्डिंग में रेजिडेंशियल एरिया में लेते हो या फिर नॉर्मल सा किसी पीजी में सिर्फ रूम ले लेते हो। तो रूम भी हर तरीके का होता है, उसमें भी आपका सिंगल होता है, डबल होता है और 4 BHK भी होता है। तो बहुत सारा इसमें क्राइटेरिया होता है कि आप कैसा हॉस्टल चूज़ करते हो, कैसा रूम चूज़ करते हो, उसी हिसाब से उसका रेंट होता है। तो मैं आपको नॉर्मली जो यहाँ पे लड़के रहते हैं मैं उनका नॉर्मली बता देता हूँ कि कितना रेंट रहता है। जैसे कि आप अगर 2 BHK लेते हो या फिर 3 BHK लेते हो तो 2 BHK का 7,000 अराउंड तक पड़ जाता है, और अगर आप 3 BHK लेते हो तो वो 10 to 11,000 तक पहुंच जाता है। वैसे ही अगर आप किसी बंगलो में, जैसे कि एक होता है कि बंगलो का पूरा ऊपर का फ्लोर ले लो या फिर नीचे का पूरा फ्लोर ले लो, तो उसमें क्या होता है कि आपको आई थिंक 17-18 हज़ार रुपये वो लेते हैं वेल फर्निश्ड। मतलब आपको उसमें एसी मिलेगा, आपको उसमें फर्नीचर वगैरह सब कुछ उसमें मिलता है, कोई इसमें कोई आपको घर से कोई चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें इसमें भी काफ़ी अच्छा, लेकिन वो उनके लिए है कि जो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए। अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, मतलब उतना आपका बजट नहीं है, तो आप 2 BHK भी लेके काम चला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 BHK लो और बिल्कुल किसी बंगले में लो। आप नॉर्मल सा भी कोई भी, बहुत सारे यहाँ पे आप Beta 1 Beta 2, आपका Zeta 1 Zeta 2, अल्फ़ा बीटा गामा A, B, C, D, उसमें भी करके, तो बहुत सारे यहाँ पे टोटली समझ लीजिए नीचे मकान मालिक रहता है, ऊपर जितना भी फ्लोर रहता है सब पे किराया चढ़ाए रहते हैं। तो यहाँ पे रूम लेना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे ही मैं एक वीडियो बना दूँगा कॉलेज हॉस्टल वर्सेस बाहर के हॉस्टल या फिर पीजी कैसा होता है वहाँ पे, मतलब कौन सा सस्ता पड़ेगा और कौन से खाने वाने में भी अच्छा रहता है। तो उसके उसको अगर आपको चाहिए उस पर वीडियो, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो उस कमेंट सेक्शन में। वहाँ से अगर मैं देखूँगा कि कुछ लोगों का मतलब ज़्यादा कमेंट आया है तो फिर मैं वहाँ से आपको बताऊँगा कि हॉस्टल वर्सेस आउट हॉस्टल या आउट पीजी आपको कितना खर्चा पड़ सकता है। तो ये मैं हॉस्टल की चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि हॉस्टल में कितना अराउंड। अगर आप नॉर्मली जो बच्चे रहते हैं, मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ कि आपका 7 या 8,000 में आपका 4 लोग रह सकते हैं, मतलब 4 लोग रह सकते हो, 2 रूम में एक लोग, 2 रूम में एक लोग। तो पर पर्सन जो होता है वो 2,000 पड़ता है, मतलब 2,000। इससे ज़्यादा आपका बहुत अच्छा रूम रहेगा 2,000 में, इससे ज़्यादा आपका नहीं लग सकता। दूसरी से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है राशन। अगर आप नॉनवेज हो या फिर वेज हो तो आपके दोनों के लिए अराउंड आपका 1500 से लेके 2,000 तक बहुत ज़्यादा अगर खर्चा। आप बहुत अच्छा खाना चाहते हो, बहुत रोज़ आप चिकन खाना चाहते हो, रोज़ आप बढ़िया बढ़िया डिशेस बना के खाना चाहते हो, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको 2,000 से लेके 2,000 बहुत ज़्यादा हो गया। आपको 1,000 से लेके 1,500 के बीच में आपका आराम से खर्चा आ जाता है राशन का। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, आप रोज़ चिकन खा सकते हो, मतलब हफ्ते में 3 दिन 4 दिन चिकन खाओगे तो अभी 1,500 से ऊपर आपका खर्चा नहीं पड़ेगा। तो ये राशन में, मतलब आप मान लो कि 1,500 रुपया राशन का और 2,000 रुपया रूम रेंट। और जो तीसरी चीज़ जो आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक तरीके से मानी जाती है, कि आपका पानी और बिजली। बिजली जो होता है उसका रेंट आई थिंक पर पर्सन जो रहता है वो 150 से 200 के करीब पड़ता है, ठीक है, 200 के करीब। और अगर आप पानी की बात कर ले तो पानी जो आप पीने वाला लोगे वो बिस्लेरी की बॉटल जो आती है, मतलब फिल्टर पानी जो आता है बड़ी बॉटल में, वो आपको 20 रुपये का पर बॉटल मिलता है। तो वो अगर आपका आ जाता है तो एक एक हफ्ते या
5 या 6 दिन चल जाते हैं बिल्कुल आराम से। तो आप पानी उससे ले सकते हो। और जो आपका मकान मालिक, बहुत जगह ऐसा भी होता है कि मकान मालिक जो होता है वो कि आपसे जो आप घर में यूज़ करते हो पानी मोटर से या आता है जो भी आता है अंडरग्राउंड पानी जो आता है उसका भी चार्ज लेते हैं। तो उसका ऑलमोस्ट आपका 100 रुपये या फिर 150 रुपया उसका भी लगता है। तो ये आपका ऑलमोस्ट सब मिला जुला के 300 रुपये मान सकते हो, ठीक है। तो पानी का जो है 300 रुपया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मूवीज़ देखना, बाहर घूमने जाना, कभी आप आउटिंग के लिए चले गए या फिर कभी ऑटो ऑटो कॉलेज के, मतलब ऑटो से तो रोज़ ही आप जाओगे, कभी कभार पैदल आ भी जा सकते हो लेकिन ऑटो से आप जाओगे तो उसमें 10-20 रुपये रोज़ का खर्चा पड़ता है। कभी पार्टी हो गई दोस्तों के साथ, कभी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेकर चले गए, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर, 2000 के करीब उसमें इंक्लूड कर लोगे तो जो टोटल खर्चा आपका आ जाएगा वही आपका बहुत, अगर बहुत ज़्यादा मान लो तो 6-7 हज़ार से ऊपर आपका पर मंथ खर्चा नहीं जाएगा। वैसे तो जो मैंने पूरा एस्टिमेट लगाया है उसमें आपका 5 हज़ार के करीब, 5000 के करीब आपका पर पर्सन खर्चा पड़ता है। लेकिन आप बहुत मतलब ज़्यादा थोड़ा खर्चा करते हो या फिर थोड़ा और अच्छे से इंजॉय करते हो तो फिर उसके हिसाब से आपको 6-7 हज़ार बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आ सकता। तो बहुत सारे लोगों की इस चीज़ में डिमांड थी इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई भी मतलब आपको दिक्कत हो परेशानी हो तो आप स्क्रीन पर जो नंबर मैंने दिया वहाँ पर आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर मैं ग्रेटर नोएडा में रहूँगा तो वहाँ पे पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो और इसके बदले बस आपको एक काम करना है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम और वीडियो आगे बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। क्योंकि जब कुछ आप मेहनत करते हो तो उसका फल मिलता है, तो मज़ा आता है वो काम करने का। तो ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और प्लीज़ जो भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बता सकते हो कि हमें इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर पता करके, मुझे नहीं पता रहेगा तो पता करके और मुझे पता रहेगा तो उस चीज़ के बारे में अच्छे से आपको वीडियो के थ्रू बता सकता हूँ ताकि बहुत लोगों का फ़ायदा हो। तो चलिए ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।